सामने आ रही है, जहां नवनियुक्त विधायक रेणुका सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत। रेणुका सिंह ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। सीएम फेस को लेकर रेणुका सिंह ने बड़ा बयान भी दिया। का कमल फूल छाप का कोई व्यक्ति ही सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। मैं इस बात से खुश हूं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ को मिल सकती है पहली महिला सीएम। भरतपुर सोनहत से विधायक के रूप में प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय मंत्री थी रेणुका सिंह। वो बम्पर जीत के बाद आज राजधानी रायपुर पहुंची हैं। बड़ी संख्या में जो प्रदेश के इनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और रेणुका सिंह हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल सीएम के तौर पर उनका नाम भी आगे चल रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने जीत मिली, महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला है। मैम, एक बड़ी जीत कर आप हासिल करके आज राजधानी रायपुर, कैसा उत्साह? पूरे प्रदेश भर में इस बात का उत्साह है। इस चुनाव को जनता ने लड़ा है, इसलिए लड़ा क्योंकि पिछले पाँच साल कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो धनराशि भारत सरकार भेजती थी उसका खुलकर बंदर बाट किया है। और 5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए जनता ने इस बार भाजपा को अपना समर्थन दिया है और एक बम्पर जीत हुई है। मैम, सुबह 7 बजे की बात करें, परसों तो 14 सीट पर भाजपा थी, अचानक से 54 पे आ गई, मतलब एक चौतरफा जीत हुई है, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? देखिए, सरगुजा संभाग में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री थे और उनके जितने भी विधायक थे, कहीं ना कहीं कोई संसदीय कार्य मंत्री थे या किसी न किसी निगम आयोग मंडल में वे अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, सारे पावरफुल थे। लेकिन उपलब्धियों की बात कहूँ तो 0, क्योंकि ये पिछले 5 साल केवल और केवल लड़ाई में व्यस्त रहे। और जब वो मुझे मेरी उपलब्धि पूछती थे तो मैं कहती थी कि देश के इतिहास में जो नहीं हुआ था वो मैंने किया, कि अंबिकापुर से दिल्ली तक हमने सीधी ट्रेन चलाई। अंबिकापुर बरवाडी ये 1935 यानी अंग्रेजों के शासनकाल का एक प्रोजेक्ट था, जो कहीं कहीं छोटे मोटे काम हुए थे उस काम को केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। वो 196 किलोमीटर 10,000 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले समय में बनेगा, हवाई अड्डा बनकर तैयार है। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा मैंने बहुत सारे वहाँ पर काम कराए हैं, तो जनता भी इस बात को देख रही थी कि कांग्रेस पार्टी के इतने सारे विधायक, उनकी सरकार, लेकिन उन्होंने विकास कार्य तो छोड़ दीजिए, आम जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, व्यक्तिगत समस्याएं थी, उनको भी दूर करने का काम नहीं किया, तो इस वजह से जनता उनसे नाराज थी। फैक्टर क्या मांगती है मैम, मुख्य फैक्टर क्या, दोनों के घोषणा पत्र में क्या अंतर देखते हैं जिससे जनता ने जो है पूर्ण विश्वास जो है भाजपा पर जाता है? कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा था, देखिए मैं उसे केवल एक नारा दूं कहूंगी, नारा इस बात के लिए कहूंगी कि देश की आज़ादी के बाद उन्होंने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाएंगे विकास करेंगे, लेकिन 55 वर्ष वे इस नारा को लगाते रहे। यदि गरीबी किसी ने हटाया है, देश में किसी ने विकास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2003 के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया हर क्षेत्रों में। 5 साल जनता उस बात को याद करती रही और ठीक 2023 के चुनाव में जनता ने अपना पूरा का पूरा समर्थन भाजपा को दे दिया है। इसकी जनता जानना चाहती है, मैम सीएम कौन होगा, आपका भी नाम प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। देखिए, भाजपा पूर्व बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अब एक दो दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रदेश का जिम्मा किसको मिलने वाला है। मैं इस बात को नहीं जानती, बस मैं इस बात से खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और कमल फूल छाप का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। एक आखिरी सवाल मैम, बुलडोजर चलने की बात काफी हो रही थी, सियासत भी उस पर हुई है, अब क्या अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा क्योंकि सरकार आपकी है? जो भी गलत काम हुए हैं, जितने भी गलत काम हुए हैं, भारत सरकार की राशि का जो दुरुपयोग हुआ है उस पर जांच की बात न केवल मैं कह रही हूँ, बल्कि देश के प्रधानमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ में आए हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि एक एक पाई का हिसाब होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगी कि हमारे पैसे का जरूर हिसाब किताब होगा और होना चाहिए। ये रेणुका सिंह थी और भरतपुर सोना से एक बड़ी जीत के साथ जो है आज राजधानी रायपुर पहुंची हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनका मुख्यमंत्री के पद के रूप में भी अब जो है नाम चलना शुरू हो गया, प्रमुखता से इनका नाम चल रहा है। फिलहाल आदिवासी सीट से आती हैं और